शुरुआत जो है वंदे मातरम से होगी। ये बच्चे वंदे मातरम का गीत आपके सामने रखेंगे। आपसे प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े होकर अभिनंदन कीजिए। पंपिंचनु शासनालु बाहुने जीवितम्
वाले कॉलेज में पढ़ने वाले कॉलेज छोड़ दें, स्कूल में पढ़ने वाले स्कूल छोड़ दें, डॉक्टर अपना कारोबार बंद कर दें, वकील अपने वकालत छोड़ दें। एक आखिरी जंग है हिंदुस्तान के लोगों की, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों को चेतावनी दी थी हिंदुस्तान छोड़ दो वरना हम अपना बलिदान दे देंगे, करेंगे या मरेंगे। उस नौजवान ने जब ये गांधी जी का आह्वान सुना, बहुत दूर, इस जगह से बहुत दूर, आज वो सिंध पाकिस्तान के अंदर है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शायद वो स्थान देखा होगा। मुझे मौका मिला सिंध में जाने का भी, ये हिंदुस्तान आजाद होने से पहले की बात। हेमू कोलानी ने एक स्क्वाड बनाया, उसका नाम था डू एंड डाई स्क्वाड, करो या मरो, एक जत्था था। और उस जत्थे ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। एक दिन नहीं, 1050 इंग्लिश नोइंग एलिट्स डिड नॉट नो व्हाट एमआईटी वाज लाइक। वी इन इंडिया न्यू ओनली अबाउट ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मे बी लंडन स्कूल इकोनॉमिक्स, बट वेरी फ्यू इंडियंस न्यू अबाउट एमआईटी। But Nehru started IIT at Kharagpur on the model of MIT. So technologically subservient India was unveiled by Jawaharlal Nehru. And friends, we have achieved a green revolution, another great achievement. Until 1970, I was General Secretary of the PCC here in 67, 68, 69, when Kakani Venkatratnam was President of the PCC. We used to mobilize. I believe as a student of politics that India's achievement is qualitatively much greater than that of China. China achieved same things. It achieved its own green revolution. It achieved technological self-reliance. It achieved the objective of speed economic growth rates, but at the expense of democracy. We have made all these achievements through democracy. That's because of the constructive kind of freedom struggle that Congress Party and the leadership of Mahatma Gandhi provided to the country. So therefore, friends, we should not only be proud of the legacy of freedom struggle, in my view, we should be equally proud of the glorious record of independent India. And if you are और विश्वास से हम लोग वाकई उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। ఇప్పుడు ఏపీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కల్చరల్ కమిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నాగులపల్లి రాఘవరావు మరియు అంబదాస్ ప్రముఖ చిత్రకారుడు శిల్పి కవి ఇద్దరు వారు జయపాల్ రెడ్డి గారిని సన్మానించడానికి వచ్చారు. Sir, it shows you that affection and regard, respect that they have. And that has freedom fight for our dear Manji Ji. ठीक है, वो तसल्ली से जिंदगी बसर कर रहा है, वरना ये जमाना ऐसा है कि 6,000 अगर ना होता तो उसके बच्ची या बच्चा उसको घर से निकाल देता। बचाया है 6,000 के आश्रय से, बच्चा बच्चे उसको साथ रखे, खाना पीना दे रही है, लेकिन जितने भी हैं उनसे क्या काम लेना चाहते हैं। अभी आपको वक्त है कि हमारे को बोल कर हमारे से कुछ काम देंगे। अब दुनिया तो बदल गई, जयपाल रेड्डी जी तो सच तो बोले, अच्छा ही बोले कि रिमार्केबल प्रोग्रेस किए, कौन मना करेंगे इसको, किए। अगर आप नहीं भी करते तो हो जाता था,
लेकिन क्या थे एक बात मोरारजी देसाई ऑफ इंडिया थे 65 साल किए, क्या इंडिया को औरंगाबाद चुके बना नहीं किया? उन्होंने बोला द फर्स्ट ईयर सारसी हैज डन सफिशियंट मिस्चीफ इन द कंट्री एंड आई डो नॉट वॉन्ट दैट मिस्चीफ इज रिपीटेड इन माई मैं उन पिछले कोट कहा हूं। अब सबसे बुजुर्ग है, स्वतंत्र सेनानी है, अनुभवज्ञ है, ऑनेस्ट मैन है, उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन देश में है। उन्होंने ऐसा कहा, भूलते रहे हमें सारे चीजें, बहुत लड़े हैं पाकिस्तान में, लड़ने का नतीजे अल्टीमेटली वही मित्रभाव से उसको सॉल्व करना पड़ा, ये नतीजे था। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं, और स्वतंत्र सेनानी के शायद खराब लोगों का संख्या बढ़ इतना बढ़ रहा है कि अच्छा लोग नजर ना आए, तो सिर्फ इतना कि 20 साल से जो एप्लीकेशन पेंडिंग है आपको, उसमें जिंदा जितने को निकालिए बाहर निकालिए, और आप 50% से ज्यादा कम हो जाए, और उन 50% को रखकर इधर या उधर कर दीजिए, और आखिरी में आपको फाइल पेंडिंग है वो मान गुजर गया, 80 साल के तो हो गए मिनिमम, और कितने साल रहेंगे? तो आप आ गए हैं, अच्छा हुआ। जयपाल रेड्डी जी भी आंध्र प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर, ये भी अच्छा हुआ। जितना है कि मैं इतना ही चाहता हूं कि जितने भी फाइल पेंडिंग है वो पेंडिंग फाइल्स का नंबर ही मालूम है आपको, कितने लोग जिंदा लिए नहीं मालूम 20 साल से, क्योंकि पश्चिमी देखते देखते लोग जाते हैं। उड़ा लक्ष्मण जी कुछ कहे कि कांग्रेस का दफ्तर है कि जा रहा है, उसको सब ट्रेनों पर जब लोग कोई कांग्रेस का तब तो जाने नहीं है ना, इतना आशा नहीं मिली, और कांग्रेस दफ्तर यहाँ से निकल कर वहाँ गए तक आप में जिंदा रहना चाहिए ना, ये सब क्यों समझा? जितना हो सकता उतना सुनिए, जितना हो सकता उतना बोलिए। हमारे को भी 5-6 साल 10 साल का ही मोहलत है, इससे बदलने के लिए हमारे को एक मौका दीजिए, और मैं आप सब लोगों को दो चार चीजें और क्या ज्यादा बोल सकता हूँ। अगर वंदे मातरम सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से श्री एस जयपाल रेड्डी जी का हार्दिक धन्यवाद, श्री गावट जी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्री पागापुल्ला रेड्डी जी का जिन्होंने सभा की अध्यक्षता की, श्री शशिभूषण जी का। Thank you.